पीएम नरेंद्र मोदी ने चेहरे तो अपनी टीम के लिए बेहतरीन चुने हैं, लेकिन पूरा ध्यान उन खिलाड़ियों पर रहा जो यूपी की चुनावी पिच पर साझेदारी निभा सकेंगे। यही वजह है कि बड़े नामों के बजाय सामाजिक समीकरणों को प्राथमिकता दी गई है। तीन पिछड़े, तीन दलित और एक ब्राह्मण बिरादरी के मंत्री के साथ ही बीजेपी ने क्षेत्रीय संतुलन भी साधा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से सात नए चेहरे शामिल किए गए हैं। लखनऊ से अब दो, यानी राजनाथ सिंह और कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हो गए हैं। यूपी से राज्यसभा सांसद हरदीप पुरी को शामिल कर ले तो विस्तार के पहले मोदी सहित कुल 10 चेहरे केंद्र में यूपी से थे। इनमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष गंगवार का इस्तीफा ले लिया गया है। नई भागीदारी के बाद अब टीम मोदी में उनके अलावा यूपी से 14 नए चेहरे शामिल हो गए हैं। लोकसभा की 20% से अधिक सीटों वाले यूपी की मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी भी करीब 20% हो गई है। नए पुराने चेहरों को जोड़ ले तो पूर्वांचल से 5, अवध से 4, पश्चिम यूपी से 3, बुंदेलखंड से 2 और रुहेलखंड से 1 चेहरा टीम मोदी का हिस्सा है। विकास के घोषणा पत्रों के बीच यूपी के विधानसभा चुनाव के नतीजे जातीय और सामाजिक समीकरणों से सदते हैं। सवर्णों के साथ ही गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों को अपने कोर वोट बैंक में बदलने के अभियान में बीजेपी 2014 से ही लगी हुई है। उसे इसका काफी फायदा भी हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार में इसे और मजबूती दी गई है। नए चेहरों में दो कुर्मी बिरादरी से हैं, अनुप्रिया और उनके दल का पूर्वांचल के कई जिलों में प्रभाव है। तीन दलित मंत्रियों में कौशल किशोर पासी, भानु प्रताप वर्मा कोरी धनगर बिरादरी से आते हैं। 2014 से ही गैर जाटों के वोट बीएसपी से छिटक कर बीजेपी में जुटे हैं। अति पिछड़ों दलितों की उपजातियों की भागीदारी का यह गुलदस्ता सत्ता का गुलदान सजाने के काम आएगा। एसपी सिंह बघेल बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अति पिछड़ों में पाल बिरादरी में भी उनका प्रभाव काफी माना जाता है। हालांकि इस समय वे आगरा की सुरक्षित सीट से सांसद हैं। उन्होंने धनगर जाति एसएससी का प्रमाण पत्र लगाया था, जिसका मुकदमा भी अभी चल रहा है। अजय मिश्र टेनी अवध से आते हैं। इस बेल्ट से केंद्रीय मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों की पहले कोई बिरादरी नहीं थी। अब देखना यह है कि आने वाले यूपी चुनाव में इन नए चेहरों से बीजेपी अपनी कितनी सीटों की बढ़ोतरी करती है।